इस दुपट्टे को ऐसे लूं या फिर ऐसे ही छोड़ दूं? मेरा स्लिम पेट देख के तो बाकी की लड़कियां जली जाएंगी। ऐसे रखती हूँ, कितनी स्लिम लग रही हूँ मैं। ये 5 बजे योगा करने का कमाल है। अरे भाभी कहाँ चली आप? आपको बतानी है मुझे शादी में जाना था। अरे हाँ हाँ, जिसमें मुझे नहीं बुलाया। चलो कोई नहीं, आपने राजमा चावल बनाया ना लंच में? हाँ आप खा लेना, मैं चलती हूँ। अरे रुको, मुझे परोस के जाओ, मुझे आपके हाथ का परोसा हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है, उसमें प्यार अलग झलकता है, तभी तो हमारे बीच में इतना प्यार है। जल्दी से करके जाना, मैं आती हूँ फटाफट। ठीक है? हाँ मैं आई आई, जल्दी आओ जल्दी आओ, मैं लेट हो रही हूँ। चुगार गई की खुद नहीं ले सकती क्या खाना? एक तो मुझे लेट हो रहा है, 100% का खाना। तो गाइज मैं ऐसे लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ। गुची तेरी ना इस बुआ ने मेरा जीना हराम किया हुआ है, हट। आप भी ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है और काफी लॉन्ग टाइम तक चलता है। दीदी आपका लंच। मेरा लंच आ गया तो मैं लाइव बंद कर रही हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, बाय। हेलो गाइस, हेलो। मेरा ना, आपने अपनी लाइव क्यों बंद करी? मैं भी तो हेलो कह रही थी सबको। 4 लोग लाइव पे आए थे, आपको देख के भाग जाते, मुझे देख के और रुक जाते। आपको पता है जब मैं लाइव आती हूँ ना तो 200-300 लोग तो यूं ही जुड़ जाते हैं। बस 200-300, एक बार मैं लाइव आई थी 100K लोग थे, 100K। 100K कितना होता है? 10,000। वो 10K होता है दीदी। अच्छा तो फिर 1,00,000 होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी मैं जा रही हूँ शादी में, राजमा कैसी बनी है? नॉट अप टू द मार्क, मजा नहीं आया, वो मजा नहीं है जो मम्मी के हाथों में। तो आप अपनी मम्मी के पास जाके खा लो और मेरे लिए भी एक कटोरी ले आना प्लीज दीदी, उनके हाथों का टेस्ट खाए हुए तो सदियों बीत गई। अरे जमाना हो गया मैंने खाया, वो खुद मांग मांग के खाती है पड़ोसियों से, क्या करें, बुढ़े शरीर में जान ही नहीं बची है। ए क्या बकवास कर रहे हो आप? मैंने अपनी मम्मी के बारे में थोड़ा बोला क्या? थोड़ी ढील क्या दी? आप बोलने लगोगी? एक तो इतने घटिया राजा बनाए। ठीक है काम करती हूँ, मम्मी जी को बोल दूंगी आज आपके लिए राजा बना देंगी। आप ये मत खाओ, कहीं आपका पेट खराब हो जाए, आपको लूज मोशन हो जाए तो मैं वो नहीं देख सकती। मेरे को कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ सब हजम है। दो, बुराई भी करनी है और खाना भी मेरे हाथ का ही खाना है, चुड़ैल कहीं की। झेल लूंगी भाभी, आप ही ने तो बनाया है, इतना तो मैं सह सकती हूँ। मेरे झुमके, दीदी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है झुमके पहनने में, आपके पास कोई असली झुमके हैं तो दे दो, नकली पहन पहन के मेरे कान में फट आए हैं। नकली भी हैं आपके पास, बहुत बड़ी बात है, किसी के पास नकली भी नहीं होते, चेहरे ऐसे निकलते हैं लहंगा पहन के। मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहनते हैं लेकिन ज्वेलरी नहीं होती उनके पास, आर्टिफिशियल भी। आप शुक्र मनाओ कि आप लोकल लहंगा पहन रही हो और आपके पास लोकल ज्वेलरी है। दीदी ये लोकल लहंगा नहीं है, ये बहुत ही महंगा लहंगा है, कम से कम 26,000 का लहंगा है ये। इधर आना जरा। अच्छा आपने पहले क्यों नहीं दिखाया मुझे? ये तो मैं पहनती और मैं बहुत ब्यूटीफुल भी लगती, आप पे ये कलर जा नहीं रहा। दीदी जो भी बात है, आप मुझे कुछ ज्वेलरी दे दो ताकि मैं पहन लूं। आप खाना खाने में लगे हो, मुझे लेट हो रहा है, वहां पर सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, कोई फंक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक मैं नहीं पहुंचूंगी। आप क्या पागल हो? मम्मी ने ज्वेलरी दूसरे वाले घर में रखी हुई है सारी, मेरे पास कोई नहीं है। क्या मुझे आज यही पहनना पड़ेगा? ठीक है दीदी मैं चली शादी में, आपको मिलती हूँ शाम में। शाम में जल्दी आना, डिनर बनाना है आपको। तुझे भी जाना है क्या मेरे साथ? मुझे लगता है दीदी गुची भी मेरे साथ जाना चाहता है, इसको भी ले जाती हूँ। ए गुची कहीं नहीं जाएगा, गुची और ब्राउनी मेरे पास ही रहेंगे। पकड़ो अपना सामान, भागो यहाँ से, चलो अरे इधर आओ, ये लो गुची। वो खीरा नहीं खाता, मैं जा रही हूँ। कोई नहीं अभी तक, ये लो गुची खीरा खाओ आप। खीरा नहीं खाता, इनकी बोटी बोटी कर दूंगी ना वो भी खा जाएगा मेरा प्यारा गुची। और कुछ खाओगे बाबू? आ जाओ इधर आ जाओ। आई बनी लगता है मेरे नसीब में नकली झुमके पहनना लिखा है, असली तो सारे माँ बेटी ने रख लिए, नकली पहन लेती हूँ, क्या कर सकते हैं।